भाजपा कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। जम्मू लद्दाख विजन के माध्यम से इस समय रविंदर राणा जी पीएम पैकेज इम्प्लॉय से आज पीएम पैकेज थोड़ा खुला तो हो जाओ। ये आप ये देखिए पीएम पैकेज इम्प्लॉय भाजपा कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें जम्मू से। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? हमारी बच्चा क्या यार? ओ यार 2 मिनट रुको यार। रुकिए यार, क्यों इनको मारते हो यार? एक मिनट यार, क्या कर रहे हो यार? कहाँ जाइए सारे यार, मैं खुद आया हूँ बीच में, मेरे भाई है सारे। हेलो, एक मिनट। ये मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट सुनो, इधर आओ, इधर आओ सारे, ये आप सारे इधर आओ ना, ये लंगे साहब जी बोलो, इधर या तो नीचे बैठो या सारे नीचे बैठो, नीचे बैठो ना, चुप हो जाओ। सर आपके पीछे पीछे इनको सारी नजर ही नहीं आती। रुमन जी पास 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 रुमन तो पास बैठे।
जरा बोले माइक पकड़ लीजिए सर, पीछे पीछे होते जाएंगे और कौन है पीछे पीछे होते यार आप ये माइक दो इनको। हेलो हेलो हेलो, इस समय रविंदर राणा जी पहुंचे हैं पीएम पैकेज के पास, बिल्कुल भाजपा कार्यालय के बाहर। ये आपके लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कश्मीरी पंडित का संघर्ष जारी है, आपको ये बात सुननी पड़ेगी। 226 दिन से संघर्ष चला सर, आपकी दिल्ली दिसंबर अक्टूबर में दो किले ये आपने बात नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा ना। अरे बात करने दो यार, बात करने दो। योगेश माइक देना, माइक दे उनको। कश्मीरी पंडित लोग पिछले 12 साल से घाटी में तैनात थे, लेकिन कभी भी ये शिकायत नहीं की, क्योंकि हमें उम्मीद थी हमारे ऊपर अगर हाथ है किसी का वो एक नेशनल पार्टी का, वो है ऐसी पार्टी का जिनका हम तहे दिल से हमारी रग रग में उनका खून है। लेकिन आज बताना चाहते हैं अक्टूबर 2021 में दो टारगेट किलिंग होती है ईदगाह में, उनको चुन के मारा गया था दीपक चंद जी और सुपिंदर कौर जी को। हमें उम्मीद थी शायद टारगेट किलिंग ये एक एक्सीडेंट था और शायद अब रुक जाएगी। हमने 2 महीना धरना किया, लेकिन हमने खुद से भरोसा किया। लेकिन मैं 12 को राहुल भट्ट को उसके क्लास 1 मजिस्ट्रेट ऑफिस में मारा जाता है, जो बिल्कुल सिक्योर्ड ऑफिस है। एलजी साहब हमारे पास आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे परचाई पे भी भरोसा नहीं है। आईजीपी साहब कहते हैं 4 साल लगेंगे हालात ठीक होने में। 27 मई को हम एलजी साहब से मिलने जाते हैं इस भरोसे के साथ उनसे कि शायद हालात ठीक हो गए, लेकिन 27 मई को जब हम उनसे मिलते हैं 29 मई को रजनी बाला को मारा जाता है, 31 मई को विजय कुमार को मारा जाता है। 16 अगस्त जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब सुनील भट्ट को मारा जाता है, 16 अक्टूबर पूरण कृष्ण भट्ट को मारा जाता है। 7-7 नॉन लोकल लेबर्स जो हिंदू से बिलोंग करते थे उनको मारा जाता था। ये साफ था उनका टारगेट एक रिलीजन को लेके था। हमें भरोसा कैसे होगा सर, थ्रेट लेटर्स लगातार आ रही थी। एलजी साहब दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2 बजे, शाम को 4 बजे एक और थ्रेट लेटर आती है। डर का माहौल लगातार बना हुआ है। आपने एक भी ऐसी कोशिश नहीं की जिससे आप ये मॉडल तोड़ सके, जिससे ये मॉडल आप क्रश कर सके। आज ये पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय आपके पास आया है, आपके दफ्तर के बाहर आया है। मैं आज पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूँ, जो हमें गलत समझते हैं, जो हमारी त्रासदी को नहीं समझते, 1990 से लेकर आप एक बारी टेंट में रह के देखिए, आप एक बारी क्वार्टरों में रह के देखिए, आप एक बारी सारा घर छोड़ के देखिए, आप देखिए कैसा लगता है। आप बात करते हैं 4,000 की है। इंसान सिर्फ पहले से नहीं मरता, इंसान मरता है जब उसकी सिविल सोसाइटी भी उसके साथ नहीं होती। इंसान और एलजी साहब इतना ही रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं आपके शासनकाल में। एलजी साहब
राणा साहब आपके शासन काल में हमारे साथ एट्रोसिटीज फिर से हो रही है, बाकी कोर्ट में लगते हैं, उसे हमें माइग्रेंट के नाम से जाना है। शुक्रिया करते हैं 30 साल में पिछले 30 सालों में एक साल में 22 क्लिक से ज्यादा हुई, ऐसे हाल में ऐसे माहौल में हम कैसे अपने कर पाएंगे, कैसे अपने बच्चों को बचा पाएंगे। सर हमारी आखिरी उम्मीद, आज आप इस कम्युनिटी का फैसला कीजिए, आज आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का फैसला कीजिए। सारे सामने खड़े हैं। सर अगर एलजी साहब के कार्यकाल में इतनी मौतें होती है, तो अपनी से दिलचस्पी कर सकते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने या कई पार्टी के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, नहीं हम कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करने आए हैं। आज हम यहाँ पर अपनी नाराजगी जो है वो प्रकट करने आए हैं और इंसाफ की गुहार जो है वो लगाना चाहते हैं। मान पुरुष भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन मान पुरुष माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी है, भारतीय गवर्नमेंट ऑफ सेंटर में उसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये किसने एम्बेड किया है, ये किसने कश्मीरी पंडितों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनौती जो है वो बिठाया। इसलिए हम चाहते हैं कि जो इंसाफ हो वो इंसाफ आज मिलना चाहिए। हमने लगातार जो है अपनी डिमांड जो है वो लगातार हमने 228 दी थी। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारी जान है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। 42 सब कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट जॉब कर रहे हैं, ये एक ही बार वन टाइम, और इनको यहाँ पर अटैच करने की बात है। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी गवर्नमेंट और जिन्होंने हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, मुझे लगता है इसमें भी वो एक हिस्टोरिकल डिसीजन लेंगे। ये कोई बड़ी बात गवर्नमेंट के पास नहीं है। उसके बाद जो होगा हम चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला जो एम्प्लॉयज के साथ शुरू करें, लेकिन हम पहले भी आपके शरण में भी आए हैं, आज भी आपके शरण में आएंगे। इसलिए ये जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है, ये आपके हवाले हैं, आपको इनकी जो बात जो है वो करनी है। आपको पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की पीड़ा को समझना है, जो हमारी पेन है उसको एड्रेस करना है। 12 साल हमारे साथ क्या हुआ ये हम जानते हैं और हमारा एम्प्लॉय जानता है, लेकिन हमने सब चीज को बियर किया। लेकिन टारगेट किलिंग और पर्सिस्टेंट जो थ्रेट आ रहे हैं, उन थ्रेटों के मैटर को आप पढ़िए। हमारी सेटलमेंट्स की बात की जाती है, हमारे एकोमोडेशंस की बात की जाती है, उसकी बात ये कौन से लोग हैं जो पीछा कर रहे हैं। जब तक कि आप यहाँ पर कश्मीरी पंडित की भावनाओं को नहीं समझते और कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय को वोट नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि तब तक कि कोई भी समाधान जो किसी इशू का निकले। इसके साथ साथ एंटी साहब का जो स्टेटमेंट है, इट हैज वाइडली हर्ड द सेंटीमेंट्स ऑफ द पीएम पैकेज एम्प्लॉय, नॉट एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। जब कश्मीरी पंडितों के दिलों पर जो घाव लगे हैं उन पर मरहम लगाने की जो जरूरत थी, जो पेन थी उसको एड्रेस करेगी, इस स्टेटमेंट से घाव और सहरे हुए और जो गैप्स है वो वाड़ी नहीं गए, वो ब्रिज नहीं हो गए। धन्यवाद। आप जनता के वकील हैं सर, माननीय राणा साहब यहाँ आए, हमें बहुत तसल्ली हुई। हमें ये मालूम है कि हम यहाँ पर गुहार लगाने आए इनके पास, कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो कम्युनिटी का फ्यूचर है, उसको आज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर बैठे, जून की तपती गर्मी में भी सड़कों पर बैठे थे और आज दिसंबर की चले गलाल की ठंड में भी सड़कों पर बैठे हैं। हमारे सबके लिए मेरे लिए नायक शर्म की बात है कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो उसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, काम कर रहे हैं, और माननीय रविंद्र रैना जी भी उनके ही बात सुन रहे हैं।
आपको घर बैठे नहीं मिलेगी, हमें घर बैठे तनख्वाही चाहिए। हमने इसकी सुरक्षा की जाए, हम कश्मीर में सुरक्षित फील नहीं कर रहे थे, तभी हम यहाँ पे आए। सबको मालूम है गाड़ी हुई और आज थ्रेट लेटर्स निकल रही है। या तो टीआरएफ के सलाम माइक है नहीं ये फायदा को नहीं उसमें समाधान निकलेगा और अमन यहाँ बहाल हो सके। ठीक है सर, धन्यवाद। शेखर जी धन्यवाद। आज अभी आकाश में बादल है और रवि छिपा हुआ है, लेकिन असली रवि यहाँ है। रविंद्र रैना असली रवि है और कविंद्र ये दोनों इंद्र हैं और इनका टेस्ट भी है। ये इंद्रवास कितना शांति कितना वज्रपात करते हैं और जो आपसे उपेक्षाएं हैं हम अपेक्षा है। मुझे ज्यादा नहीं बोलना, आप सब जानते हैं और मैं रविंद्र जी को बहुत बचपन से जानता हूँ। कविंद्र जी मैं ये बच्चे एक जेनोसाइडल एनवायरनमेंट के भागे हैं, जान बचाकर ये टारगेट के सर्वाइवर्स हैं, ये एक्शन के सर्वाइवर्स हैं और ये नेगेशन ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स के सर्वाइवर्स हैं। न केवल हमारे कश्मीरी पंडित बच्चे हैं बल्कि डोगरा जो कैटेगरी के हजारों बच्चे हैं और वक्त है, ये एक ही समस्या का शिकार है और इनका समाधान है। और समाधान जहाँ है, जहाँ हो सकता है, हम उस द्वार पे खड़े हुए हैं। आज कुटानगर में बीजेपी के हेडक्वार्टर पे भाई रविंद्र राणा जी आए, खत्म देवेंद्र राणा जी और पाली भगत जी माइक को सही स्वागत करता हूँ। उन्होंने कल कहा कि हम आपको बलि का बकरा बनाने नहीं देंगे, हम आपको आपको बच्चों की तरह। क्या ये बच्चे घर में बैठकर यहाँ बैठकर तनख्वाहें लेने के लिए आए हैं? ये बहुत अफसोस की बात है, उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और अब सारी एक्सपेक्टेशन अटैच करिए। और जो आपके कैटेगरी के हमारे डोगरा भाई बंधु हैं पॉलिसी उनकी, जैसे रविंद्र राणा जी ने कल कहा कि अब होता है तो ठीक, नहीं होता है पार्टी तक छोड़ देंगे। वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया शुरू है। उससे ज्यादा मैं आपसे गुजारिश करेंगे, क्योंकि एक डिसिप्लिन भी आ गया कल और हम ये बच्चे जैसे आपने कहा इन्होंने हमारी आशाएं आपसे हैं, आपसे भी कोई विकल्प नहीं है। किसी ने मुझे कहा राहुल गांधी भी आएगा, मैंने कहा क्या करने आएगा, हम उनके शिकार हैं। उससे पहले हम कविंदर जी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी करबद्ध ये निवेदन करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह शेरों की मांग में मत रेवरे खेल वाले भी करा रहे हैं। और आपसे अपेक्षाएं बीजेपी में भी नहीं थे तब भी मैं आपको जानता था, जो बोलते थे वो करते थे। कविंदर जी धन्यवाद आपका।
आपके इस प्रदर्शन के कार्यक्रम में हमारे बीच में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष रविंदर रैना जी, हमारे मित्र श्रीमान अग्निशेखर जी, श्रीमान खोसा जी, आनंद जी यहाँ पर अपने दुख की गाथा सुनाते हुए जो सही बात करते हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों जिस दर्द को लेकर के हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस दर्द के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़ी है। हमने 1989 से 90 से लगातार वो हालात देखे हैं। अगर कश्मीरी पूरे समाज देशभक्त ना होता तो शायद वो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर माइग्रेंट ना होता। आज भी जिस प्रकार की वहां पर परिस्थिति बनी है, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि वहां पर हालात नहीं सुधरे। हालात सुधरे हैं, लेकिन जो टारगेट के लिए है कुछ लोगों को लेकर के, खास करके एक समाज को जिसको सरकार दोबारा बसाना चाहती है, लेकिन जो बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है, सरकार जो भी कुछ कहे, लेकिन जिस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था बननी चाहिए, जिस प्रकार से वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, शायद उसमें कोई कमी है। इन लोगों ने कभी नहीं इनकार किया है कि ये वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात उस प्रकार से बनने चाहिए। हमने लगातार 30 साल अगर विस्थापन के दुख को झेला है तो ये चीजें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम सरकार को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, हमारा मीडिया के सभी भाई यहाँ खड़े हैं, कि हालात देखिए, इनकी जान को जो खतरा है उससे आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। केवल कुछ लोगों की फीडबैक लेकर के इतना सशक्त बयान देना ये ठीक बात नहीं है। हमने उस लोगों के साथ तब से खड़े हुए हैं कि जब से आज तब भी, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने किसी की तनख्वाह नहीं रोकी थी। सबसे पहले लोगों का जीवन यापन, ये यहाँ तनख्वाह लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि आप वहां पर सुरक्षा दीजिए, तनख्वाह हम ले लेंगे, हमें लेनी आती है। देखिए कुल मिलाकर के हम आपके साथ हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर गहन विचार कर रही है और हम सिर्फ एक बार सरकार से अपील करना चाहते हैं, आप सही माहौल दीजिए और सही वहां पर वातावरण दीजिए। हम कभी जाने से इनकार नहीं करेंगे। अगर इन लोगों ने वहां पर क्या 4,200 लोगों ने पहले भी जहां पर जाकर के नौकरी की है और लगातार कई साल नौकरी की है, तो 10-10, 12 साल से ये लोग जो आप वहाँ पर बैठे हैं, तो ये आज भी जाने को तैयार है। लेकिन जब हमने किसी अपने भाई बहन को वहाँ खाम खाम मरने के लिए नहीं भेजना है, अगर होंगे तो देश पर शहीद होंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम केवल सरकार से एक्सग्रेशिया लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हमें जरूरत है, ना इस चीज़ की जरूरत पड़नी चाहिए। आप माहौल को साझेदार करो, हम उसको करेंगे। मैं चाहता हूँ रविंद्र राणा जी कुछ लोगों के साथ बैठ करके कुछ बातों ओ भाई बैठ जा, इसको बिल्कुल जल्द ही हम केंद्र से बात करेंगे। अपने प्रधान रविंद्र राणा जी की अगुवाई में हम यहाँ पर बात करें, सीरियस मसला बन गया है ये पूरे। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने इसलिए हमारे लोग आते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं हैं। जिन पार्टियों ने यहाँ पर हालात खराब करे उनकी बात नहीं करता, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आप हमसे उम्मीद करते हो, हम हमेशा भी आपके साथ खड़े रहेंगे। इन शब्दों के साथ एक बार मिल करके ये इस लड़ाई को लड़ेंगे, अंजाम तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने पाएंगे ना वहाँ पे ऐसे हालात, हम करेंगे क्या सर? उसके लिए हमें बताइए, हमारे बच्चे दांव पे लगे हुए हैं, जिंदगियां दांव पे लगी हैं, हम करेंगे क्या? मैं कुछ तो वाला फैसला दीजिए हमें, वो तो बताइए हमें करना क्या आगे, हमें मर नहीं जाना है वहाँ पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज इस स्थान पर अभी अपने स्वाभाविक घर के अंदर आप सब नौजवान जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं इस क्षेत्र के माध्यम से केवल दो तीन बातें आप सबके बीच में रखूंगा।